तो आप लोग देख रहे होंगे ये क्या फैलावड़ा हो रहा है। तो ये फैलावड़ा जो है हमारी शादी की तैयारी हो रही है। हम लोग अच्छा जी वीवर्स, हम लोग यहाँ पे जोड़िया बाजार आए हुए हैं और यहाँ से हमने अच्छा जी वीवर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है पिज्ज़ा आ गया है और यहाँ पे दाल चावल भी खाए जा रहे हैं और ये पिज्ज़ा बहुत मजे का है। और तो आप लोग देख रहे होंगे ये क्या फैलावड़ा हो रहा है। तो ये फैलावड़ा जो है हमारी शादी की तैयारी हो रही है। हम लोग शादी में जा रहे हैं और शादी में जो है जाने के लिए आप लोगों को पता है कि ये सब कुछ तो लाजमी होता है, फैलावड़ा ये सब चीज़ें। और ये जो है लेंस की डिबिया है ये भी मैं रखने लगी हूँ, सब इसको मैं समेटती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और मैं आपको अपना जो है ड्रेस भी दिखा देती हूँ कि मेरा ड्रेस कौन सा है। मेरा ड्रेस ये है और पीछे की जो बेड का जो है वो आप इग्नोर करिएगा क्योंकि आपको पता है जब शादी में जाना होता है तो ये सब कुछ हो जाता है। तो ये जो है मेरा आज का जो है वो लुक है, ड्रेस है, और मैं जो है इसको जो है समेटती हूँ और फिर आपसे दिखाती हूँ। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। और जी व्यूअर्स, तो यहाँ हम जो है वो शादी में आ चुके हैं और यहाँ पर जो है जब हम लोग आए थे तो कोई नहीं आ रहा था, उस दिन घर वाले लोग थे तो हम समझ रहे थे कि हमें काफ़ी जो है लेट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हमें बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, हम बहुत ज़्यादा जो है जल्दी आ गए थे। और फिर हम बैठे बैठे रहे और काफ़ी देर बाद जो है वो मेहमान आए थे। और जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये बच्ची मेरे पास आ गई है और ये मेरी भतीजी है और ये मुझे बहुत प्यारी लगती है और ये बहुत बातूनी। और ये रात के 11 बजे का टाइम था और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जो है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग नहीं आए। यहाँ से आते आते हमें 2 से 3 बज गए थे फारिग होते होते। और ये ग्राउंड की शादी थी, हॉल वगैरह का यही होता है, लोग इसलिए अवॉइड करते हैं कि वो 12 बजे बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है देर तक कर सकते हैं तो फिर यहाँ पर जो है इसलिए लोग ग्राउंड करते हैं। हमारी अपनी शादी जो है वो खुद ग्राउंड में ही हो रही है, उसके लिए हमने ग्राउंड किया है। और जी वीवर्स, यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरे दिन का व्लॉग। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि शादी के बाद डायरेक्ट पिज़्ज़ा, शादी में खाना नहीं खिलाया क्या? ऐसी बात नहीं है, ये जो है दूसरे दिन का व्लॉग है। और दूसरा दिन जो है वो पिज़्ज़ा लेकर आ गए थे, ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पर जो है हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। इसके बाद हमें जो है वो मार्केट जाना है क्योंकि जैसे कि हम बता चुके हैं कि हमारे घर में भी शादी की तैयारियाँ चल रही है, कमिंग सून हमारे यहाँ भी हमारी नानी की शादी है तो उसकी बस तैयारियाँ चल रही है। उसी सिलसिले में जो है हमें मार्केट भी जाना है और मार्केट से क्या क्या खरीदेंगे आपको वो भी दिखाएंगे कि क्या क्या तैयारियां रह गई है और क्या क्या हो गई है। और यहाँ पे जो है ये पिज़्ज़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर का था और क्रीमी फ्लेवर का मुझे अच्छा नहीं लगता, सिर्फ फजीता और चिकन टिक्का फ्लेवर का अच्छा लगता है। A few moments later. अच्छा जी व्यूअर्स, हम लोग यहाँ पे जोड़िया बाजार आए हुए हैं और यहाँ से हमने लेंस लिए हैं और अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं। और यहाँ से हमने बर्गर भी खाया है और यहाँ पूरी जो है लेंस की होलसेल मार्केट है और यहाँ से हमें लेंस मिले हैं मुनासिब प्राइस। जी तो इसके साथ ही हमको दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।